चंडीगढ़ मोहाली के बाद अब जीरकपुर में गुब्बारा गैस सक्रिय हो गया है। गैस ने दिल्ली से आए रेडिसन ग्रुप के एक अधिकारी को निशाना बनाया और आरोपी उनकी गाड़ी से बैग लूटकर ले गए। पंचकुला निवासी गुरमिंदर सिंह ने बताया कि वह ड्राइवर है। दिल्ली से शताब्दी ट्रेन में सुबह 11 बजे चंडीगढ़ पहुंचे होटल रेडिसन ग्रुप के डायरेक्टर को इनोवा में बिठाकर जैसे ही हल्लो माजरा लाइट पॉइंट से आगे बढ़ा तो भीख मांग रहे एक युवक ने इनोवा के बोनट पर गुब्बारा मारा। बोनट गर्म था और गुब्बारे में मोबिल ऑयल होने के चलते धुआं कार के अंदर तक फैल गया। ड्राइवर कुछ समझ पाता तभी हल्लो माजरा लाइट पॉइंट से आगे बढ़ते ही पीछे से आ रहे एक बाइक पर सवार दो युवकों ने इशारा कर गाड़ी रोकने को कहा। तब तक गाड़ी चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर तक पहुंच गई थी। फ्लाईओवर शुरू होने से पहले जीरकपुर के पहले लाइट पॉइंट के पास ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कार का शीशा नीचे किया। तभी बाइक पर पीछे बैठे युवक ने कहा कि गाड़ी से मोबिल ऑयल टपक रहा है। यह देखने के लिए ड्राइवर बाहर निकला। उसी समय गाड़ी में ज़्यादा धुआं होने के चलते डायरेक्टर भी गाड़ी से बाहर आ गए। ड्राइवर नीचे झुककर मोबिल ऑयल का टैंक चेक करने लगा। इतने में बाइक सवारों ने पिछली सीट पर रखे बैग को उठाया और फरार हो गए। उन्होंने तत्काल 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन लुटेरों का कुछ पता नहीं चला। बल्टाना चौकी प्रभारी बिंदर सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच की जा रही है।